नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने कुबोटा का MU 5501 मॉडल देखा है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी भी स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स बताएंगे, कुछ ट्रैक्टर की इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की HP की। ये ट्रैक्टर 55 HP 4 सिलेंडर ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर हैं और 55 HP है। और ये ट्रैक्टर देख सकते हो, डिजाइन्स बाय कुबोटा इन जापान, जापान कंपनी का ट्रैक्टर है जी ये, जिसमें ECDS इंजन और 4 वैल्यू के साथ है। और ये ट्रैक्टर 4x4 है, इसमें 2x2 भी आता है, लेकिन ये 4 व्हील ड्राइव है और 2 व्हील ड्राइव भी आता है इसमें। ट्रैक्टर की लुक के बारे में बात करें, ट्रैक्टर की काफ़ी शानदार और स्टाइलिश लुक दे रखी है। फ्रंट पे आपको कुबोटा कंपनी का लोगो मिलेगा और 2 लाइटें लगी हुई हैं आगे फ्रंट पे। और जो इस ट्रैक्टर का बोनट है वो सिंगल वन टच बोनट है, जिसको आप आराम से ओपन कर सकते हो, ये ऊपर चल जाएगा। और ट्रैक्टर में ड्राई टाइप एयर क्लीनर अंदर ही लगा है बोनट के। और ट्रैक्टर में आगे एक्साइड की बैटरी रखी है, जो कि दिख नहीं रही जाले की वजह से। और ट्रैक्टर में आगे कंपनी ने वेट दे रखा है। और ये ट्रैक्टर 3 ईयर्स की वारंटी के साथ है, जो कंपनी लिख के भी देखती है। चलिए किसान भाइयों आपको ऊपर बैठ के दिखाते हैं ट्रैक्टर की बारे में। और किसान भाइयों, यहाँ पे कुछ इसके फीचर दे रखे हैं। ऑयल इमर्ज ब्रेक है किसान भाइयों। PS पावर स्टेयरिंग, जो किसान भाइयों इसका 4x4 व्हील ड्राइव का अगला एक्सल है, काफ़ी हैवी अगला एक्सल दे रखा है इसका। देखो आप कितना हैवी एक्सल दे रखा है। और इसमें जो पावर स्टीयरिंग है उसकी एक्टिंग भी डबल है, पावर स्टीयरिंग एक्टिंग डबल है, रोड डबल दे रखी है, एक ये और एक ये। और किसान भाइयों, ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर भी लगा है, जैसे आपके फ्यूल में पानी आ जाता है तो इसको यहाँ से लूज़ करके पानी को नीचे निकाल दो और आपका जो फ्यूल है वो साफ हो के आगे जाता रहेगा। और इस ट्रैक्टर में किसान भाइयों ड्यूल PTU है। किसान भाइयों काफ़ी कंफर्टेबल सीट दे रखी है ट्रैक्टर की। और यहाँ पे आपको पीछे वाटर बोतल स्टैंड मिलेगा। और किसान भाइयों इसकी ट्रैक्टर के जो डिजिटल मीटर क्लस्टर हैं ट्रैक्टर के, और काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म है किसान भाइयों ट्रैक्टर का, जो कि आप बैठने के बाद इसके ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। और इस ट्रैक्टर के जो ब्रेक हैं और क्लच है सस्पेंडल टाइप हैं, जैसे कारों में होते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन मिलेंगे, जैसे इसको ऊपर करने से ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव हो जाएगा और नीचे करने से 4 व्हील ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइट वगैरह के लिए दे रखा है, ये स्विच है ट्रैक्टर का। और ये ब्रेक को लॉक करने के लिए दे रखा है। और किसान भाइयों ये एक्सीलेटर है ट्रैक्टर का। और काफ़ी अच्छी लंबाई भी है किसान भाइयों ट्रैक्टर की। और काफ़ी और हैवी बड़े मडगार्ड हैं। ये इसका PTU का जो क्लच है वो दे रखा है। और किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में जो गियर है वो सिंक्रोमेंस गियर बॉक्स के साथ ट्रैक्टर है ये। और इसमें 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के साथ ट्रैक्टर आता है ये। ये इसके लिफ्ट के लीवर दे रखे हैं, जिसमें से ये ड्राफ्ट का है, ये बेसिक पोजीशन कंट्रोल के लिए दे रखा है। ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा है किसान भाई ट्रैक्टर। और किसान भाई इसके साइलेंसर के ऊपर जो हीट गार्ड दे रखे है, जैसे किसान रात को काम करते हैं तो उनका अचानक से हाथ लग जाता है, तो इसमें अगर हाथ लग जाएगा तो आपका हाथ जलेगा नहीं, बचेगा। और किसान भाइयों इसके जो टायर हैं पिछले वो 16x28 के हैं, और जो अगले टायर हैं वो 49x24 के हैं। आइए इसके पिछले हिस्से की बात करते हैं किसान भाइयों। जो इसका पीछे का है वो पैलेंट्री ड्राइव रियर एक्सल है, रियर एक्सल किसान भाइयों। पीछे डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी दे रखे हैं, जिसमें से देखो किसान ने ट्रॉली जोड़ रखी है एक जैक वाली। और टॉपलिन तो कंपनी साथ में देती है।
इस ट्रैक्टर की जो पीटीओ पावर है वो 47 HP की पीटीओ पावर है। और किसान भाई इसमें स्टे बार लगी हुई है ट्रैक्टर में, काफ़ी अच्छी हैं। और राइडर लिंक में आपको जैक मिलेगा जिसके हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से अप डाउन ये छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो किसान भाइयों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।